going to start a new chapter of class 9, which is chapter Atoms and Molecules, and this is part first of this chapter. In this chapter, we cover all important topics, and the topics are first one, introduction, and the second one, laws of chemical combination, Dalton's atomic theory, atoms, molecules, ions, writing chemical formula, molecular mass, and the last topic will be mole concept. Okay, then all these topics we cover in this chapter. Then first of all, we start our new chapter. We discuss about some scientists who work in the field of atoms and molecules. Okay, then first one, Indian philosopher, who is Maharshi Kanan. उन्होंने क्या कहा था? Then when we divide a matter smaller and then smaller and then smaller, then the smaller particles which we obtain after dividing matter into small particles, then this smallest particle is known as परमाणु. ओके, जब हम क्या करते हैं, किसी भी मैटर को, मतलब कि इस यूनिवर्स में चाहे कोई भी मैटर हो, उसको जब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो सबसे लास्ट में जो हमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑब्टेन होता है, उस पार्टिकल का जो नाम है वो महर्षि कनन ने क्या कहा था, परमाणु. ओके, नेक्स्ट क्लियर. देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इंडियन फिलोसोफर पकुदा कात्यायन. तो उन्होंने क्या कहा था कि सेम यही बात कि जब हम क्या करते हैं, मैटर को डिवाइड करते हैं, तब जब हम जो हमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑब्टेन होता है वो क्या है, परमाणु. बट इन्होंने एक बात और कही थी कि क्या होते हैं, जो एटम्स होते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं, कंबाइंड फॉर्म में, और वो कंबाइंड फॉर्म में रहकर किसको जनरेट या फिर किसको बनाते हैं, किसी भी मैटर को. ओके, देन इन दिस एरा, ओके, जो ये टाइम था इन इंडियन फिलोसोफर्स का, दो ग्रीक फिलोसोफर्स थे. ओके, फर्स्ट वन इज डेमोक्रेटस एंड द सेकेंड वन इज ल्यूसिपस. ओके, तो जो ये दोनों साइंटिस्ट थे, सबसे पहले तो ये कौन से फिलोसोफर्स थे, ग्रीक फिलोसोफर्स. ओके, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने भी सेम बात यही कही थी मैटर के लिए, दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर दिस यूनिवर्स इज एटम. ओके, उन्होंने इसका नाम क्या रखा था, एटम रखा था, विच मीनिंग इनडिविजिबल. ओके, विच मीन्स जिसका मतलब क्या होता है, इनडिविजिबल, जिसको हम और आगे क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते. दैट्स क्लियर. तो ये तो थे कुछ हिस्ट्री के रिलेटेड पॉइंट्स थे, जो कि किसके थे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के, मतलब कि जो जो साइंटिस्ट थे, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी थी. ओके, इसके बाद में और भी कई सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया था, लेकिन जो ये यहां तक की जो बात थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, वो फिलोसॉफी के ऊपर बेस्ड थी. यहाँ पे किसी भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ का कोई भी यहाँ पे क्या था, बेस नहीं था. ये जो सारी बातें कही गई थी कि परमाणु, एटम, या फिर जो एटम्स होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, मैटर्स मैटर्स को फॉर्म करते हैं, तो ये सारे जो भी पॉइंट्स थे वो किसके ऊपर बेस थे, फिलोसॉफी पे. इस यहाँ पे कोई भी एक्सपेरिमेंटल का कोई भी बेस नहीं था. तो जो आगे आगे जो साइंटिस्ट आए थे, जैसे कि डाल्टन, रदरफोर्ड, जेजे थॉम्सन, इन सब ने क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट्स किए थे एंड एटम्स के रिलेटेड अपनी थ्योरीज को क्या किया था, प्रपोज किया था. ओके, Now we start our first topic, okay, which is laws of chemical combination. Then Antoine Lavoisier laid the foundation of chemical sciences by stabilizing two important laws of chemical combination. जब ये बात कही गई थी, जब एटम्स के रिलेटेड जो भी क्या हो रहे थे कॉन्सेप्ट, अलग अलग साइंटिस्ट अपने क्या कर रहे थे, डिस्क्राइब कर रहे थे, तब ये वहां पे ये बात क्लियर हुई थी कि जो कॉम्बिनेशन है एटम्स का, एटम्स जब कंबाइंड होंगे तभी मैटर को फॉर्म करेंगे, तो जो ये कॉम्बिनेशन है वो क्या होते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन किसी भी पर्टिकुलर लॉज के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो जो एंटोनी एल लवोइशियर थे, उन्होंने क्या किया था कि जो फाउंडेशन रखा था टू इंपॉर्टेंट केमिकल लॉज को प्रपोज करके. ओके, एंड एंटोनी एल लवोइशियर इज ऑल्सो नाउन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री. ओके, जो एंटोनी एल लवोइशियर है वही क्या है, फादर ऑफ केमिस्ट्री.
Then in this chapter we will study about two important laws of chemical combination. The first one is law of conservation of mass and the second one is law of definite proportion. But total laws of chemical combination are 5, but in our syllabus of class 9 there are only 2 laws of chemical combination. Our first law of chemical combination is law of conservation of mass. This law was proposed by Antony Lavoisier, and this law states that means the statement of this law is, during a chemical reaction matter is neither created nor destroyed. That means चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या हो रही हो, प्रोसीड हो रही हो, तो उसके अंदर जो मैटर है ओके वो क्या हो सकता है, नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड. दैट मीन्स दस इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स. मतलब अगर इसी स्टेटमेंट को अदर वर्ड्स में अगर क्या करें हम एक्सप्लेन करें तो क्या हो जाएगा कि जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स है इज इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट. ओके लेट्स वी टेक एन एग्जांपल. ओके वी हैव अ केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस. Then in this chemical reaction, hydrogen gas reacts with chlorine gas and produce hydrogen chloride. Okay, then on the basis of this law, here the mass of hydrogen is 2 gram and the mass of chlorine gas is 71 gram. अब यहाँ पे ये 2 ग्राम ये 71 ग्राम क्या है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास क्या होता है 1. दैट्स व्हाई हियर द मास ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज 2 ग्राम. ओके हम यहाँ पे आगे जो भी हमारे टॉपिक्स है उसके अंदर हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे या फिर अच्छे से स्टडी करेंगे दैट व्हाट इज एटॉमिक मास एंड देन व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास. ओके बट यहाँ पे आपको सिर्फ इतना सा ध्यान में रखना है कि जो हाइड्रोजन है उसका कितना मास है यहाँ पे 2 ग्राम एंड क्लोरीन एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5. ओके दैट्स व्हाई हियर क्लोरीन गैस देयर मास ऑफ क्लोरीन गैस इज 71 ग्राम एंड हियर इन द प्रोडक्ट द मास ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इज 35.5 + 1 = 36.5 × 2 = 73 ग्राम. ओके यहाँ पे एक H जो हाइड्रोजन है उसका होता है 1, क्लोरीन है उसका होता है 35.5. एक HCl मॉलिक्यूल का जो मास है वो हो जाएगा 36.5 × 2. जब हम इसको क्या करेंगे मतलब कि जो एक HCl है उसका है 36.5 बट ये इन द प्रोडक्ट साइड वी हैव टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल बाय 2. ओके देन हियर द मास ऑफ प्रोडक्ट इज 73 ग्राम. देन व्हाट यू ऑब्जर्व इन दिस केमिकल रिएक्शन दैट द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज 71 + 2 = 73 ग्राम एंड इन द प्रोडक्ट साइड द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज 73 ग्राम विच इज इक्वल. ओके यहाँ पे जो मास है रिएक्टेंट्स का एंड प्रोडक्ट का वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, जो कि किसको एक्सप्लेन कर रहा है, लॉ ऑफ केमिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. दैट्स क्लियर. वी टेक एन अनदर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ वॉटर. देन इन द फॉर्मेशन ऑफ वॉटर hydrogen gas reacts with oxygen gas and form water molecule. First of all balance the chemical reaction. Okay then in the reactant side two atoms of hydrogen and in the product side two atoms of hydrogen. In the reactant side 2 atoms of oxygen but in the product side 1 atom of oxygen. That's why we multiply water molecule by 2 and to balance hydrogen molecule we multiply hydrogen molecule by 2. Okay now our chemical reaction is balanced. Then here mass of hydrogen is 2 × 2 = 4 gram and the mass of
ऑक्सीजन इज 32 बिकॉज द एटॉमिक मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इज 16 ग्राम. ओके, देन इन द प्रोडक्ट साइड द मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. अब इस कंप्लीट इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम उसको जो आगे जो हमारे टॉपिक है उसके अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे. अभी यहाँ पे जो मास है वाटर का वो क्या होता है 16 + 2 = 18 एंड द मास ऑफ टू वाटर मॉलिक्यूल इज 18 × 2 = 36 ग्राम. तो यहाँ पे क्या हुआ देखो सबसे पहले किसको ऑब्जर्व करो रिएक्टेंट साइड को. ओके यहाँ पे क्या है 4 + 32 = 36 ग्राम एंड इन द प्रोडक्ट साइड द मास ऑफ प्रोडक्ट इज 36 ग्राम विच इज इक्वल टू रिएक्टेंट. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या हो रहा है करेक्ट मतलब वेरीफाई हो रहा है. ओके दैट मीन्स जो ये हमारा लॉ है वो क्या है करेक्ट. अब यहाँ पे अगर हम रेशियो की बात करें कि जो फॉर्मेशन ऑफ वाटर की जो प्रोसेस है वहां पे जब हम क्या करते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के रेशियो को देखते हैं तो यहाँ पे जो रेशियो वो क्या हो जाएगा 4:32 एंड सिंप्लीफाई इट देन 1:8. ओके देन हियर द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय मास इज 1:8 देन इट्स ऑपोजिट प्रोसेस. जब हम क्या करेंगे टोटल 9 ग्राम वाटर को डिसोसिएट करेंगे तब हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा उस प्रोडक्ट में भी 1 part हाइड्रोजन एंड 8 part ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा. क्लियर. ओके देन दिस इज अवर फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. नाउ सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन एंड दिस लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन इज ऑल्सो नाउन एज लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. दिस लॉ वॉज पोस्टुलेटेड बाय प्राउस्ट इन 1797 एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दैट मीन्स द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ इज अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशियो इंडिपेंडेंट ऑफ द मेथड बाय विच इट इज प्रिपेयर्ड और द सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज ऑब्टेन्ड. ओके दिस कंप्लीट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट. ओके मैं इसको क्या करती हूँ जो ये स्टेटमेंट है उसको अच्छे से सिंपल वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब करता हूँ. ओके तो ये जो लॉ है एक्चुअली में लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन वो क्या कहता है कि जो ये केमिकल कंपाउंड है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं जब कंबाइंड होते हैं मतलब कोई भी अगर कंपाउंड है तो वो किसी न किसी एलिमेंट्स के ज्वाइंट होने की वजह से ही क्या होते हैं फॉर्म होते हैं. ओके तो कोई भी केमिकल कंपाउंड जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो रेशियो होता है बाय मास वो क्या होता है हमेशा ही कांस्टेंट रहता है. वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हम उस जो केमिकल कंपाउंड है उसको कौन से मेथड से प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कौन से सोर्स से उसको ऑब्टेन कर रहे हैं. ओके नाउ आई एक्सप्लेन दिस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विद एन एग्जांपल. ओके देन वी टेक एन एग्जांपल ऑफ CO2 गैस. ओके देन इन दिस CO2 गैस कार्बन एंड ऑक्सीजन द रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज 3:8. ओके दैट्स क्लियर. तो यहाँ पे जो कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है बाय मास इज 3:8. तो अभी हम क्या करें इस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हम उसको क्या करते हैं अलग अलग प्रोसेस से ऑब्टेन करते हैं. फर्स्ट बाय बर्निंग ऑफ कार्बन व्हेन वी बर्न कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व. ओके देन जो उस प्रोसेस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है उसके अंदर कौन सा केमिकल कंपाउंड है CO2 एंड द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स बाय मास इज 3:8. दैट्स क्लियर. सेकेंड मेथड जिसके अंदर क्या रिलीज हो रही हो CO2 गैस तो जब क्या करते हैं जैसे कि सोडियम मेटल कार्बोनेट कोई भी होता है उसको जब हम क्या करते हैं एसिड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं उसमें भी क्या होती है CO2 गैस रिलीज होती है. ओके तो
उस मेथड के अंदर जो हमें CO2 गैस ऑब्टेन हो रही है वो भी उसी उसके अंदर भी जो केमिकल कंपाउंड या फिर जो केमिकल फॉर्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वो CO2 ही रहने वाला है एंड द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बाय मास इज आल्सो सेम विच इज 3:8। तो एक्चुअली में जो एक लो है वो क्या कहना चाहता है कि जो कोई भी अगर केमिकल कंपाउंड है उसके अंदर जो रेशियो ऑफ एलिमेंट्स है बाय मास वो हमेशा ही क्या रहता है सेम रहता है। वो इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हम उस केमिकल कंपाउंड को कौन से मेथड से प्रिपेयर कर रहे हैं और हम उसको कौन से सोर्स से ऑब्टेन कर रहे हैं। दैट्स क्लियर। देन दिस इज अवर सेकंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नाउ वी कम ऑन अवर सेकंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देन इन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन 1805 एन इंग्लिश स्कूल टीचर जोहान डाल्टन postulated his atomic theory known as Dalton's atomic theory। तो जो एटम से रिलेटेड जो भी थ्योरीज प्रपोज हुई थी उन थ्योरीज में जो फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी थी वो किसने पोस्टुलेट की थी? डाल्टन ने, जोहान डाल्टन, who is an English school teacher and his theory is known as Dalton's atomic theory and the Dalton's atomic theory was based on laws of chemical combination because this theory explained all the laws of chemical combinations. Okay, now postulates of Dalton's atomic theory, in which the first one is all matter is made up of very tiny particles called atoms which participate in chemical reaction and the word atom is derived from Greek word atomos which meaning uncuttable or indivisible। Okay, तो जो first postulate है वो क्या explain कर रहा है? That all matter मतलब इस universe में जो भी matter है वो किससे बना हुआ होता है? Very tiny particles which is known as atoms। और जो केमिकल रिएक्शंस होती है उन केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट लेते हैं वो कौन पार्ट लेते हैं? यही एटम्स। ओके, नाउ सेकंड पोस्टुलेट इज एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो सेकंड पोस्टुलेट है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इंडिविजिबल, दैट मीन्स एटम्स आर नॉट फर्दर डिवाइडेड। ओके, और जो ये एटम्स है वो क्या हो सकते हैं? नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट मीन्स दे आर कंजर्व्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन। ओके, थर्ड वन इज एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट होता है उसके जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल। ओके, फॉर एग्जांपल वी हैव एन एलिमेंट ऑफ फेरस। ओके, देन इन दिस फेरस ऑल एटम्स ऑफ फेरस फेरस दैट मींस आयरन। ओके, देन इन दिस ऑल एटम्स ऑफ फेरस आर आइडेंटिकल इन मास एंड ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, ये भी एटम फेरस का, ये भी दिस वन एंड ऑल्सो दिस वन। ओके, देन ऑल दिस एटम्स हैव आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वन इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो फर्स्ट है उसमें क्या था? एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट। ओके, देन इन द नेक्स्ट पोस्टुलेट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनके मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट आइडेंटिकल। ओके, देन फॉर एग्जांपल फर्स्ट वी हैव एन एलिमेंट ऑफ फेरस एंड द सेकंड वन वी हैव द एलिमेंट ऑफ कॉपर। ओके, देन द एटम्स ऑफ कॉपर एंड द एटम्स ऑफ फेरस आर नॉट आइडेंटिकल इन मास और इन केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, then the next one is atoms combine in ratio of small whole numbers to form compounds। जो atoms होते हैं वो क्या होते हैं? Combine होंगे and when they combine then they form compounds and in the compounds the ratio of elements are present in small whole numbers। For example we have a compound of carbon dioxide gas
विच इज CO2. Then in the CO2, the ratio of carbon and oxygen element are same. Okay? फिर ये चाहे CO2 हम कहीं से भी obtain कर रहे हो या फिर किसी भी सोर्स से obtain कर रहे हो, जो रेशियो है कार्बन एंड ऑक्सीजन का वो क्या रहेगा, CO2 मॉलिक्यूल में सेम. जस्ट सिमिलर दी मॉलिक्यूल कंपाउंड और मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O. देन हियर द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1 विच इज अ स्मॉल वॉल नंबर. दैट्स क्लियर. The next postulate is the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. कि जो कोई भी compound होता है उसके अंदर जो क्या होते हैं atoms, उनके जो relative number होते हैं वो क्या रहते हैं, constant रहते हैं किसी भी एक particular compound के अंदर. ये तो हमने already discuss किया था कि जो कोई भी given compound है that means एक particular compound है उसके अंदर जो atom, a kind of atoms, मतलब कि जैसे एक कंपाउंड है, लेट्स वी टेक एन एग्जांपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, देन इन दिस कंपाउंड हियर एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इज फर्स्ट वन इज कैल्शियम, द सेकंड वन इज कार्बन एंड द थर्ड वन इज ऑक्सीजन. दैट्स क्लियर. तो यहाँ पे जो काइंड ऑफ एटम्स है उनके जो रिलेटिव नंबर है वो क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं. तो इसका मीनिंग क्या है, that in the compound of calcium carbonate the ratio of calcium carbon and oxygen element is 1:1:3 by the number of atoms. okay, so फिर चाहे calcium carbonate हम चाहे कहीं से भी obtain कर रहे हो, चाहे कैसा भी calcium carbonate हो उसके अंदर जो calcium carbon and oxygen का जो ratio है atoms का वो क्या रहेगा, सभी compounds के अंदर same. that's clear. then all these are the postulates of Dalton's atomic theory. The next one is drawbacks of Dalton's atomic theory. Then in the drawbacks of Dalton's atomic theory, first one is atoms can be further divided into much smaller particles. What Dalton's atomic theory states? Dalton's atomic theory states that atoms are indivisible, but it is not true. Atoms can be further divided into smaller particles, and the smaller particles, for example, electrons, protons, and neutrons. Okay, and these are also known as subatomic particles. That's clear. Then the second one is atoms of same element can also have different masses. What Dalton's atomic theory states? Dalton's atomic theory states that atoms of same element are identical in their masses or chemical properties, but it is also not true. Atoms of same element can also have different masses, for example isotopes. Okay, isotopes. Then what is isotopes? Isotopes are the atoms of same element which have same atomic number but have different atomic masses. For example, atoms of chlorine. Okay, what is the atomic number of chlorine? Then the atomic number of chlorine is 17. That's clear. But both chlorine atom have different atomic masses. First one is 35.5 and second one is 37.5. Then these are the examples of isotopes which have same atomic number but have different atomic mass. Okay, then this is second drawback of Dalton's atomic theory. Third one is atoms of different element can have same masses. What Dalton's atomic theory states? Dalton's atomic theory states that atoms of different elements are not identical in masses and chemical properties, but it is not true. Atoms of different elements can have same masses. For example, isobars. Okay, isobars. Then what is isobars? Then isobars is the atoms of different elements which have same atomic mass but have different atomic numbers are called isobars. For example,
We have two atoms. The first one is atom of argon and the second one is atom of calcium. Then what is the atomic number of argon? Then atomic number of argon is 18 and the atomic number of calcium is 20. Then we have atomic mass. Then the atomic mass of argon is 40 and the atomic mass of calcium is also 40. Then here the atomic number of both atoms are different, which is 18 and 20. But here the atomic mass of both elements are same, which is 40. Then these are the examples of isobars, which is third drawbacks of Dalton's atomic theory. Then here the Dalton's atomic theory is now completed. And with this topic, our part first of class 9 chapter is now completed. Thank you.